hello students today i'm going to explain the uh, second lecture of uh, chapter 7 that is amazing animals of class 5th from cordova science in previous lecture we had discussed about different uh, types of habitats now we will discuss about adaptations in animals Let, now let's start Adaptations are changes in the body organs, functions, features, or behavior of an organism that help it to survive in its habitat. Adaptation kya hota hai? Uh, किसी भी एनिमल के बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं uh, उसके हैबिटेट uh, के अकॉर्डिंग मतलब वो जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव uh, करने के लिए उसके बॉडी ऑर्गन्स में इंटरनल ऑर्गन में ऑर्गन्स में एक्सटर्नल ऑर्गन्स में और उसके जो फीचर्स होते हैं उसका जो बिहेवियर होता है उसमें जो जो चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं हम अडेप्टशन

किसी में भी चेंज हो सकता है जिस जिस भी सर्कमस्टांसिस में कन्वीनियंट होगा वो रहने के लिए उस अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में चेंज होता है डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडाप्टशन टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट जो अलग अलग एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के अडाप्टन होता है ताकि वो अलग अलग टाइप के जो हैबिटेट होते हैं उनमें आसानी से सर्वाइव कर सके फर्स्ट बॉडी कवरिंग्स एनिमल्स डू नॉट wear clothes टू प्रोटेक्ट themselves फ्राम डिफरेंट वेदर कंडीशंस क्या होता है एनिमल जैसे ह्यूमन बींग होता है वो आ, होते हैं वो अपने आप को अलग अलग आ, जो सीजन्स आते हैं उसमें आ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं बट एनिमल्स के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है एनिमल्स के पास क्लोथ्स नहीं होते हैं नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अ बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स दैम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट डेमसेल्स फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड वेदर सिंस उनके पास कोई क्लोथ तो होता नहीं है इसलिए नेचर ने ऑलरेडी उनको कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं जिस जिसको हम बॉडी कवरिंग कहते हैं जिससे वो अपनी बॉडी को जैसे कोई जैसे पैंगवीन है वो बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन में रहता है कैमल है वो डेजर्ट एरिया में रहता है बहुत ज़्यादा हॉट एरिया में रहता है तो उनके बॉडी कवरिंग में आउटर कवरिंग ऐसी नेचर ने ही ऐसी प्रोवाइड की है जिससे कि वो उस टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें दे ऑल्सो यूज देयर बॉडी कवरिंग टू कीप सेम सेफ फ्रॉम हंटिंग बाई अदर एनिमल्स और ये एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी कवरिंग होती है उसको और भी किस काम में यूज करते हैं अपने आप को दूसरे एनिमल्स से बचाने में बॉडी कवरिंग्स ऑफ सम एनिमल्स आर एस फॉलोस। कुछ एनिमल्स की जो बॉडी कवरिंग होती है वो क्या होती है लेट्स सी स्केल्स बॉडीज ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स Uh, जो फिश uh, होती है और जो रेप्टाइल्स होते हैं मींस जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमारा स्नेक हुआ उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उस पर क्या होते हैं स्केल्स होते हैं स्केल्स वेरी इन साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ये स्केल जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के होते हैं द श्रिम्प द स्केल्स ऑफ श्रिम्प आर रिजिड वाइल ईल हैज नो स्केल जैसे वो जो श्रेम जो झींगा मछली होती है उसकी क्या होती है स्केल जो होती है रिजिट होती है मीन्स बहुत हार्ड होती है और ईल जो होती है उसमें कोई भी स्केल नहीं होती है ईल एक फिश होती है मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल टू प्रिवेंट वाटर लूज ये जो रेप्टाइल्स uh, होते हैं जो रे, रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है हॉर्नी uh, स्केल होती है जिससे वो उनकी बॉडी में वाटर लॉस कम हो पाता है मतलब वो वाटर को थोड़ा सा अपने बॉडी में रख पाते हैं स्नेक्स ऑल्सो हैव स्केल्स स्नेक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं उनके पास भी स्केल्स होते हैं दे यूज देयर स्केल्स टू मूव ऑन लैंड ये अपने जो स्केल्स होते हैं उनका क्या यूज करते हैं लैंड पे मूव करने के लिए करते हैं दे ऑल्सो शेड देयर स्किन पीरियोडिकली विच इज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू वन क्या होता है ये जो होता है अलग अलग टाइम पीरियड के बाद क्या होता है जो अपनी जो आउटर कवरिंग होती है उसको जो स्किन होती है उसको रिप्लेस भी करते हैं मीन्स उसको हटाते भी हैं और उसके बाद उस पर उनको उनकी एक नई कवरिंग आती है कभी कभी देखा भी होगा कि जैसे जो जो हमारी लेजर्ड होती है उसमें भी होता है चिकली जो होती है उसमें भी होता है देखते हैं कि उसकी स्किन निकलती है और वो पूरी तरीके से जब उसकी स्किन निकल जाती है तो उसके ऊपर नई स्किन आने लगती है शेडिंग ऑफ एन ओल्ड स्किन टू एक्वायर न्यू वन इज कॉल्ड कि ये जो आ, किसी भी एनिमल का अपनी पुरानी स्किन को छोड़ के दूसरी स्किन को एक्वायर करना ही क्या कहलाता है मोल्टिंग शेल सेकंड बॉडी कवरिंग क्या है शेल अ शेल इज़ हार्डिक आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स वेन दे आर इन डेंजर क्या होता है शेल क्या होता है जैसे ये देखिए ये है टोटॉयज का जो ऊपर का शेल है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और ये जिन भी एनिमल्स में शेल पाए जाते हैं वो उन्हें जो डेंजरस कंडीशंस होती है उससे बचाते हैं एनिमल्स लाइक स्नेल्स टोटॉइज एंड टर्टल हैव हार्ड शेल्स ये जो होती है एनिम स्नेल होते हैं टॉर्टोइज होते हैं इनमें क्या होता है बहुत ही हार्ड शेल होती है वेन दीज एनिमल्स आर इन डेंजर दे विड्रॉ देयर हैड एंड लेम्स इन टू द शेल जैसे कि कभी कभी देखा भी होगा टॉटर्स में कि कभी कभी हमें सिर्फ टॉटर्स का जो हेड और ये जो लिम्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते वो सिर्फ एक ये आउटर कवरिंग दिखाई देती कभी कभी कुछ लोग इसको स्टोन भी समझ लेते हैं जब बड़ा सा जब मतलब रॉक पीस भी समझ लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब इनको लगता है कि हाँ इनके आसपास के इन्वायरमेंट में कोई भी डेंजरस सरकम बन रहे हैं तो वो क्या करते हैं अपना हेड और लिम्स को अपने शेल के अंदर ही कर लेते हैं नेक्स्ट

बर्ड्स यूज देयर फैदर्स टू कीपेल्व इन कोल्ड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट फ्राम रेन बर्ड अपनी फेदर का कैसे कैसे यूज करते हैं अपने आप को गर्म रखने में और बारिश से जब भी आ, रेन होती है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ऑल बर्ड्स एव थ्री टाइप्स ऑफ फेदर्स फ्लाइट फेदर्स डाउन फेदर्स एंडी बॉडी फेदर्स जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनमें तीन टाइप की फेदर्स मिलती हैं flight feather down feather and body feather just like these pictures flight feather is type ki hoti hai down feather is type ki hoti hai and body feather fur or wool animals like sheep goat and bears have fur or wool that cover their bodies जो भेड़ बकरी और bears जो होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं जो outer covering होती है वो कैसी होती है Wool या fur की होती है थिक फर प्रोटेक्ट बियर फ्राम रेन एंड कोल्ड जो बियर में जो थिक पर होता है वो उसको किन किन कंडीशन uh, से बचाता है रेन एंड कोल्ड से द बॉडी ऑफ अ शीप इज कवर्ड विद वूल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड जो वूल की जो सॉरी uh, जो सीप की जो आउटर uh, कवरिंग होती है उस पर जो वूल प्रजेंट होता है वो उसको किस चीज से बचाता है कोल्ड से बचाता है वी ऑल्सो यूज शीप हेयर टू मेक वूल फॉर वुलन क्लोथ्स जैसे कि हमें पता भी है कि वूल अरे sheep का जो आउटर कवरिंग होती है जो कि फर या वूल की बनी होती है उसका यूज हम किस में करते हैं woolen क्लोथ्स को बनाने के लिए नेक्स्ट कैमेफ्लाज वी नो दैट सम एनिमल्स लाइक टाइगर्स जेब्राज एंड ग्रास ऑपर्स कैन मर्ज देअर बॉडी कवरिंग विद देअर सराउंडिंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैमेफ्लाज एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लजिंग एनिमल क्या होता है कुछ हमें पता है जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं टाइगर जबरा या ग्रास ग्रासहापर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को जो जो अपनी बॉडी कवरिंग है वो उसको अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कैमोफ्लज और एनिमल्स को क्या कहते हैं कैमोफ्लैजिंग एनिमल कैमोफ्लज मेक्स एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर हंटिंग एनिमल्स ये जो प्रॉपर्टी होती है कैमा फ्रिजिंग की वो क्या होता है उससे एनिमल्स अपने आप को जैसे कोई अगर पास में कोई एनिमल है अगर उस उन्हें खाने आ रहा है तो वो अपने आप को उस कंडीशन से बचा लेते हैं क्योंकि वो जो जो एनिमल उन्हें खाने आ रहा है उनकी हंटिंग करने आ रहा है वो उसको स्पॉट नहीं कर पाता है दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्राम कोचिंग इीगल हंटिंग जो इलीगल हंटिंग की जाती है जैसे कि एनिमल्स को मार के उनके जो टीथ होते हैं और जो आउटर uh, स्किन होती है उनका इलीगल यूज़ किया जाता है उनको मार के uh, उनके स्किन को निकाल के बेचा जाता है उससे भी वो बच जाते हैं सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन इवन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग जो कैमेलियन uh, होती है uh, वो गिल सॉरी गिरगिट गिरगिट जो होती है वो क्या करती है वो अपना कलर भी चेंज कर लेती है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जैसे वो जिस भी कलर के जो भी उसका सराउंडिंग होगा वो उस अकॉर्डिंग अपना कलर भी चेंज कर लेती है ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर सेकेंड फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू क्लास